इन रेबिट uh, जिस तरह प्लांट्स में हमने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा था इस तरह एनिमल में एज एन एग्जांपल के तौर पे हम रेबिट में सेक्चुअल uh, रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे नंबर वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट

इज ट्यूबलाइट यान स्ट्रक्चर्स को क्या सेमिनोफिर ट्यूब्यूज कहा जाता है तो इन सेमिनोफिर ट्यूब्यूज के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है आफ्टर मेच्यूरेशन स्पर्म्स मूव टू द कलेक्टिंग डॉक्ट

मतलब स्पर्म या वेस डिफरेंस जो है वो यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड है या जॉइन है और यूरिथ्रा क्या कर लेता है हमने टेस्टिस होते हैं एसोसिएटेड होते हैं ग्लैंड होते हैं स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं uh, uh, जो स्पर्म्स इनकी प्रोडक्शन सेमिनेफेस ट्यूब्यूल्स में होते हैं सेमिनेफेस ट्यूब्यूल्स से कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग से डिफरेंस और वेस्ट डिफरेंस से यूरिथ्रा और यूरिथ्रा से फिर वो क्या गए वो आगे फर्दर अपने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए अपने जो फीमेल पार्टनर होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरिथ्रा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपोजिशन ऑफ स्पर्म स्पर्म इसको क्या कहा कहा जाता है कंटेनिंग स्पर्म इसका कंटेनिंग स्पर्म मतलब स्पर्म के अंदर जो, होता है या जो होता है, इसको कहा जाता है और इसकी कंपोजिशन क्या है वाटर uh, या दूसरे स्क्रिशंस या हारमोन वगैरह जो है वो सारे इसकी कंपोजिशन में मौजूद होते हैं प्रेजेंट होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंडो पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट Uh, इसका फंक्शन क्या होगा दैट प्रोड्यूस स्क्रीशंस जिस तरह देखें सेमिनल वेसिकल्स है ये एसोसिएटेड ग्लैंड glen, होते हैं इनसे जो स्क्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं करते हैं। नंबर टू प्रोस्टेट एसिडिटी ऑफ फ्लू ठीक है मतलब जो 90% नाइन होता है मतलब इसमें कुछ के होंगे अगर वो ज़्यादा हो तो फिर इसकी वजह से की जो जो है है या का डिस्टर्बेंस आ सकती है तो इस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो हारमोन जो है फ्लूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसकी जो केमिकल नेचर है इसको मेंटेन रखते हैं इसके अलावा कोपेस ग्लैंड भी होते हैं डक्ट्स मतलब डक्ट्स में क्या सेमिनिफेरिस ट्यूब्यूल्स आते हैं यूरिथ्रा आता है या इसी तरह जितने भी डक्ट्स हैं या जितने भी पाथवेज हैं उन पाथवेज को कोपरस ग्लैंड अपने हार्मोन्स के जरिए से लुब्रिकेट करता है ताकि स्पर्म की मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सेकंड uh, है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट

इज टाइप ऑफ सर्स आर प्रेजेंट इन दि विच आर नोन एज फोलिकल इन प्रोवाइड न्यूट्रिशन अब फोलिकल का फंक्शन क्या होगा वो uh, मतलब उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ जो uh, एग्स है उनको न्यूट्रिशन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं

के बाद सर्विक्स इज द पार्ट विद सेपरेट द बर्थ कैनाल एंड यूट्रस स्पर्म्स आर डिपॉजिट इन द सर्विक्स मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें हमने देखा कि एक की प्रोडक्शन होती है ओवरीज़ में ओवरीज़ के आउटर रीजन में ठीक है फिर इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होंगे फिलोपियन ट्यूब्स में फिलोपियन ट्यूब्स में इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो यूटेरस में ट्रांसपोर्ट होंगे यूटेरस में कम्प्लीटली uh, इसकी क्या होती है इनकी जो फर्टिलाइजेशन का या डिवेलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी बर्थ के नाल और बर्थ के नाल से फिर वो क्या होंगे आउटसाइड तो जब एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेज कंप्लीट होंगे तो कंप्लीशन के बाद फिर वो क्या होंगे बर्थ के नाल से आउटसाइड द बॉडी इनकी बर्थ होगी

सॉरी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट अभी तक हमने देखा कि की प्रोडक्शन होती है ठीक है मेल गमीट्स के प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का रेबिट के अंदर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर डिवेलपमेंट होगी कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर मतलब इसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट द जो है वो कंटिन्यू रहती है मेल रेबिट्स ड्यूरिंग समर लेकिन मतलब समर सीजन में मेल गमीट्स क्या होते हैं

जब कपुलेशन होगी या जब मैन एंड फीमेल कंबाइन होंगे तो इसकी कपुलेशन के नतीजे में जब स्पर्म मेल से फीमेल के बॉडी में इंटर होंगे तो इंटर होने के बाद फिर सबसे पहले बर्थ के नाल और बर्थ के नाल से सर्विक्स और सर्विक्स और के, बाद फिलोपियन ट्यूब तो फिलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म एक के साथ मिलेंगे तो उनको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगी की फॉर्मेशन होती है ठीक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड कैरियर टू द यूटेरस तो यूटेरस में इनकी डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरने के बाद फिर वो एम्ब्रियो में चेंज होता है डिपमेंटल स्टेजेस uh, 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 सारे कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट होने के बाद फिर एक कंप्लीट जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और फिर आफ्टर थर्टी टू डेज जो है इसकी क्या होती है इसकी बर्थ होती है अब ये 30 टू 32 टू डेज का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है तो इस डेवलपमेंटल स्टेज stage के स्टेजेस के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान यंग वन के लिए या एम्ब्रियो के लिए फूड की वाटर की और गैसेस एक्सचेंज की इन तमाम मटेरियल की क्या होती है मैकेनिज्म की जरूरत होती है तो उनके लिए क्या है मतलब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है प्लेसेंटा कहा जाता है ठीक है प्लेसेंटा व्हाट इज प्लेसेंटा द कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर ठीक है मदर और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को कहा जाता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के जरिए से जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होंगे वो मदर के बॉडी से डेवलप डेवलप डेवलपिंग एम्ब्रू को क्या हो, क्या होंगे वो प्रोवाइड होंगे ठीक है तो थर्टी टू थर्टी टू थर्टी थर्टी टू डेज डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो रेबिड की डिवेलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के बाद फिर इनकी क्या होगी बर्थ होगी